मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर से हटाया टमाटर, जाने क्या है वजह, बढ़ती महंगाई या कुछ और। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। आप टमाटर खाने के शौकीन हैं और इस महंगाई में भी उसका लुफ्त लेना नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये खबर आपका जाकिया कुछ बिगाड़ सकती है। मैकडी यानी बर्गर बनाने वाली अमरीकी कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने अपने बर्गर में से टमाटर की स्लाइस हटा दी है। मैकडी ने फिलहाल उत्तर और पूर्व भारत स्थित अपने सेंटरों पर टमाटर हटाओ नियम लागू किया है। इसके पीछे कंपनी ने महंगे होते टमाटर की बात नकार दी है और तर्क दिया है कि खराब फसल वाले टमाटर मिल रहे हैं, जिससे कि फूड आइटम की क्वालिटी और स्वाद पर फर्क पड़ सकता है। कंपनी के इस फैसले से वे लोग खासे परेशान हैं जिन्हें टमाटर पसंद है और बर्गर या रैप में टमाटर खाना पसंद करते हैं। उत्तर और पूर्व भारत में मैकडी की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट ने मैकडी आउटलेट के बाहर नोटिस लगाया है। कंपनी अपने विभिन्न व्यंजनों में टमाटर की पर्याप्त उपलब्धता की वजह से टमाटर हटा रही है। बीते कुछ महीनों में टमाटर की कीमत खासी बढ़ोतरी हुई है। जून के आंकड़ों के मुताबिक थोक सब्जियों के दामों में पिछले साल के मुकाबले 17% की बढ़ोतरी हुई है। खुदरा मूल्यों में भी इजाफा हुआ है। ऑनलाइन सब्जियां, फल आदि सामान बेचने वाली वेबसाइट बिग बास्केट ने टमाटर की कीमत 69 रुपए प्रति किलो लगाई है। भारत में मैकडॉनल्ड्स के अधिकारी फिलहाल मीडिया को यही बात बता रहे हैं कि वे टमाटर का विकल्प लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इस समस्या से जल्द उबरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सबसे हैरानी की बात यह है कि पश्चिम और दक्षिण भारत में कंपनी को टमाटर की कोई भी समस्या नहीं सता रही है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे नजर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।